बेसिक डेफिनेशंस ये मैंने आपको क्लियर कर दिया, लाइक डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर्स, इन सब के बारे में आपको जानकारी दी गई थी। आज उसी सीक्वेंस में हम क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। और एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? इज जीरो अ रेशनल नंबर? क्या जीरो एक रेशनल नंबर है? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ ए अपॉन क्यू? क्या इसे आप रेशनल नंबर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या ए अपॉन क्यू में लिख सकते हैं? इसका आंसर देखें, इसका आंसर होगा एस जीरो इज अ रेशनल नंबर बिकॉज वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ ए अपॉन क्यू। या लिख सकते हो एस, सबसे पहले आपको बताना है हाँ या ना, यस जीरो कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 0.1, 0.2, 0.3 प्लस एंड शॉर्ट। नेक्स्ट टॉपिक अपना टू नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करना। रेशनल नंबर फाइंड करना सभी क्वेश्चन है आपका, फाइंड सिक्स रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4, 3 और 4 के बीच में आपको 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। इसकी 2-3 मैथड है, लेकिन जो सिंपलेस्ट मैथड है ये मैं आपको भी बताऊंगा। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन 3 लिख लेना आप, और 3 के नीचे क्या है डिनोमिनेटर में 1 है, ऑलवेज 1 रहता है। 3 कैन बी रिटन 3/1। उसके बाद इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3/1 लिखेंगे। 3 में भी मल्टीप्लाई होगा 10 में 10 का, और 1 में भी मल्टीप्लाई होगा 10 का, ये आपका हो गया 30 अपॉन 10। और ऐसे ही 4 को भी लिखेंगे, 4 को लिख सकते हैं 4/1, और यहां भी मल्टीप्लाई कर लेंगे 10 का, ये वैल्यू क्या हो जाएगी 40/10। यहां एक चीज आप देखते हैं, यहां डिनोमिनेटर सही है, यहां भी 10 है और यहां भी 10 है। अपने को लिखना है कि 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4, हम लिखेंगे 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4 आर। सबसे पहले आप इसको लिखेंगे 30/10 एक तरफ लिखे, और एक तरफ आप लिख लेंगे 40/10 40/10, और काउंटिंग से आप सीक्वेंस में लिख सकते हैं 31/10, और सीक्वेंस ब्रेक भी कर सकते हैं 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, 36/10। ऐसे ही जितने रेशनल नंबर आपको चाहिए सीक्वेंस में, या आप सीक्वेंस ब्रेक करके भी इसको लिख सकते हैं। वी विल टेक अनदर क्वेश्चन, अब क्वेश्चन में नंबर चेंज आएंगे। सेकंड थर्ड क्वेश्चन है आपका 3/5 और 4/5, 3/5 और 4/5 के बीच में 6 रेशनल नंबर्स आपको फाइंड करने हैं, 3/5 एंड 4/5। इसके लिए क्या करेंगे, सॉल्यूशंस सेम मेथड अप्लाई करेंगे, 3/5 लिखेंगे पहले, इसके नीचे ऑलरेडी 5 है, मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई बाय 10, द वैल्यू विल बी 30/50। इन द सेम वे वी हैव टू ट्रीट विथ 4/5, राइट डाउन 4/5, अगेन मल्टीप्लाई बाय 10, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, 4/10 एंड 4 × 10, 5 × 10, दैट विल बी 40/50। 3/5 को 3 को मल्टीप्लाई किया 10 से, 5 को मल्टीप्लाई किया 10 से, वैल्यू क्या मिली, क्या मिला मल्टीप्लाई करने के बाद 30/50। इसके बाद 4/5 को भी 10 से मल्टीप्लाई किया, 4 को भी, 5 को भी, वैल्यू क्या मिली 40/50। अब हमें ये देखना होगा 30/50, यहां भी देखिए डिनोमिनेटर सेम है 50 एंड 50। अब हम क्या करेंगे, 30/50 40/50 के बीच में हम रेशनल नंबर फाइंड करेंगे, निकालेंगे। तो एक तरफ आप लिख लेंगे 30/50, और दूसरे साइड आप लिख लेंगे 40/50। 6, 7, 8 जितने भी निकालते हैं। एक और चीज ध्यान देना है आते हो आपको, आप चाहें तो सीक्वेंस से लिख सकते हैं और सीक्वेंस ब्रेक भी कर सकते हैं। सीक्वेंस लिखना है तो क्या होगा, 31/50, नेक्स्ट वन 32/50,
33 अपॉन 50, 34 अपॉन 50, 35 अपॉन 50, 1, 2, 3, 4, 5, 36 अपॉन 50. और भी रेशनल नंबर चाहिए तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं. 8th क्लास में भी आपने ऐसे क्वेश्चंस किए हैं दूसरी मेथड से. ये सबसे सिंपलेस्ट मेथड है. एक और मेथड आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कराऊंगा. और इसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस हैं जिसको आप सेल्फ सॉल्व करेंगे.